गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सर मस्त होंगे। सर आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले। आज हम बात करने वाले फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड के पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। गाइस इस टॉपिक पर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज बनी है जो कि दावा करती है कि आप अपने फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में वो पूरी सच्चाई बताने वाले हैं क्या फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे बारे में जानिए, मेरा नाम लेकर आप देख लेंगे सर मार्टिप सिंधी। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आइए हम पहले बात करते हैं आपके जो पैसे हो आपके फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड में फंसते कैसे हैं। तो गाइस आप बेसिकली होता है क्या है, आप कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हैं, बाई चांस वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता या फिर किसी भी रीजन से उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, तो गाइस आप रिटर्न तो कर देते हैं एंड जो डिलीवरी वाला है आपके घर भी आ जाता है। तो आप रिटर्न करने समय वहाँ से आपको रिफंड पूछता है कि आपको रिफंड चाहिए कहाँ, फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड में या फिर बैंक अकाउंट में। तो गाइस उसी टाइम आप गलती कर देते हैं, आप चूज कर लेते हैं फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड और जो पैसे आपके चले जाते हैं फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड में। एंड आपके उस टाइम मतलब फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड में जाने के बाद आपके दिमाग में आता है कि ये जो पैसे हमें बैंक अकाउंट में चाहिए। वैसे आपके पैसे जब फंस जाते हैं गिफ्ट कार्ड में तब आपके माइंड में आता है कि वो पैसे हमें बैंक अकाउंट में चाहिए। तब आप जब यूट्यूब पर सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें, तो कैसे आपको यूट्यूब पर वीडियोस काफ़ी सारी मिल जाएंगी, हजारों वीडियो मिल जाएंगी जिनमें कि फेक फेक ट्रिक्स बताए जाते हैं कि आप फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कैसे आइए हम सबसे पहले आपको पूरी सच्चाई बताते थे कि आप फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो कैसे सिंपल सा फ्लिपकार्ट का रूल है कि आप फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसमें इस बात का प्रूफ भी दे सकता हूँ, आप जो भी कोई प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं वहाँ से जब रिफंड पूछता है एंड आप गिफ्ट कार्ड वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो वहाँ पर आपको एक छोटा सा सेटिंग के नीचे एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिखता है जिसमें कि साफ साफ लिखा होता है कि आप फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सिंपल सा रूल है, फ्लिपकार्ट का खुद का रूल है कि आप अपने फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। यूट्यूब पर बहुत वीडियोज में सब फेक है, कोई भी ट्रिक कोई भी जन मतलब कोई ऐसी ट्रिक नहीं जिसके मदद से अपने गिफ्ट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस करना क्या है, अगर आपको फ्लिपकार्ट के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में चाहिए तो गाइस आपको ध्यान देना उसी टाइम रिटर्न करते समय जब आपसे रिफंड पूछता है तो गाइस उसी टाइम आपको अपना बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। अब देखो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर कैसे करें तो वहाँ पर बहुत सारे मतलब पैतरे बताए जाते हैं जिसमें से एक पैतरा बहुत ज़्यादा खास है कि उसमें जैसे कि बताते हैं ये लोग हैं कि आप फ्लिपकार्ट के मतलब जो कोई भी प्रोडक्ट आप बाय कर लीजिए एंड गिफ्ट कार्ड से उसके पैसे को पे कर दीजिए। पे करने के बाद दोस्तों आप उसको उस ऑर्डर को कैंसिल कीजिए एंड उस वहाँ से आपसे रिफंड पूछेगा, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप अगर गिफ्ट कार्ड से अगर पे करते हैं पैसे को एंड उस प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं तो आपका जो रिफंड है वो वापस आपके गिफ्ट कार्ड में ही आ जाता है। तो कैसे ये सब वीडियोज़ जो बनी है सब फेक है, कोई मतलब नहीं है, आप सिंपली से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कैसे बस क्या सिंपल सा रूल था, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप अपने टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एंड मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि आप कोई ट्रिक ऐसी नहीं जिसके मदद से आप अपने गिफ्ट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना, एक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब जय हिंद।